वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूलाज को यूज करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा एंड दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स दिस इज पार्ट नंबर थ्री आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर शीट के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग द इनपुट्स गिवन बिलो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी लिमिटेड कैलकुलेट द कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वेट्स सो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वेट्स जिसके लिए हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कुछ इनपुट्स दी गई हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नीचे भी दी गई है मैं सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल का नंबर हमारे पास टू लाख है और फेस वैल्यू टेन रुपीज है सो so, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल दिस कम्स टू ट्वेंटी लाख रुपीज मैंने हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया तो यहां पर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 थाउजेंड शेयर है फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज की है दिस कम्स टू फाइव लाख रुपीज मैंने फिल एंडर को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर दिया मेरे पास यहां पर डिवेंचर 10000 थाउजेंड है फेस वैल्यू हंड्रेड रुपीज की है सो आई गॉट द वैल्यू एज टेन लाख रुपीज रिटेन अर्निंग्स ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज रुपीज फाइव लाख अब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा इससे पहले कि मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूं, मैं यहां पर आपको कुछ एवरीविएशंस का मीनिंग पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। के ई रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल डी वन रेफर्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर इक्विटी शेयर पी जीरो करंट मार्केट प्राइस दैट इज द नेट प्रोसीड्स जी रेफर्स टू कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंट पी डी एनुअल प्रेफरेंस फिक्स रेट डिविडेंट एन पी नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस एंड आई रेफर्स टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट इन एब्रीविएशंस को क्लियर करने के बाद अब मैं आपके सामने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टेकअप करूंगा जिसके अंदर हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं द फर्स्ट इज आई नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फर्स्ट सेकेंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियर एंड थर्ड कॉस्ट ऑफ डेट सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को टेकअप करूँगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहां पे फार्मूला दिया गया है मैं इस फार्मूले को राइट right साइड की तरफ इम्प्लीमेंट कर रहा हूं डी वन इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर इक्विटी शेयर दुपीज टू बाय पी जीरो करंट मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस इज ट्वेंटी प्लस ग्रोथ रेट इज फाइव आई प्रेसेंट मेरे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो गई थर्टीन परसेंट जिन सेल्स को मैं इन फॉर्मूलाज के अंदर रेफर कर रहा हूं वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं द सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिस इज पी डी डिवाइड बाई एन पी पी डी रेफर्स टू एनुअल प्रेफरेंस फिक्स रेट डिविडेंट दिस इज इक्वल्स टू एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंट इज नाइन परसेंट सो आई राइट इट हियर नाइन डिवाइडेड बाय एन पी दिस इज द नेट प्रोसीड ऑन इश्यू ऑफ preference shares. Net proceed on the issue of preference share is given to us in cell number F5. Net proceed is equal to the market price. I press enter. Mir paas cost of preference shares aa 7.50%. Now I need to calculate the cost of debt. It is equivalent to interest multiplied by parenthesis star टेक्स पेरेन्थेसिस क्लोज डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मैं राइट साइड पे पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं डिबेंचर्स के ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट है इलेवन परसेंट का दिस इज मल्टीप्लाइड वन माइनस टैक्स टैक्स इज थर्टी परसेंट पेरेंथेसिस क्लोज दिस इज डिवाइड बाय नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड इज गिवन टू अस इन सेल नंबर एफ सिक्स आई एंटर मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट हो गया 7.33 परसेंट हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल जो कि इन तीनों का कम्बिनेशन है हमने इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया अब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर सोर्स ऑफ कैपिटल देना है सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर हमारे पास फर्स्ट सोर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल का book value is this is equals to 20 lakh rupees second source is preferential capital and the book value is equivalent to rupees 5 lakh the third source of capital is debentures this is equals to 10 lakh rupees and the last one retain earning it is given to us as 5 lakh rupees retain earning this is equivalent to फाइव लाख रुपीस मैं इस जगह के ऊपर टोटल ले रहा हूं सो आई मेक यूज़ ऑफ़ सम फंक्शन और मैंने ये सम फंक्शन को यहाँ पर टेकअप कर लिया मेरे पास टोटल सोर्स ऑफ कैपिटल फोर्टी लाख रुपीस आ गया आई नीड टू असाइन द वेट्स दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी लाख डिवाइडेड बाय फोर्टी लैक्स आई प्रसो टू लॉकेट आई एंट्रा मैं इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वेट्स निकल कर आ गए मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू वन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है दिस इज थर्टीन परसेंट शेयर के अंदर दिस इज सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो परसेंट डिबेंचर्स के केस के अंदर दिस इज सेवन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट रिटर्न अर्निंग्स में हमारे पास The cost of capital will be the same as the equity share capital, so I write it here 13%. अब मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा दिस इज इक्वल्स टू वेट्स मल्टीप्लाइड विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने इसको नीचे ड्रैक डाउन कर दिया मेरे पास सभी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया और अब मैं इस जगह के ऊपर सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट करके टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ले रहा हूं दिस कम्स टू 0.109। इसको मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं डेसिमल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ मेरे पास यहां पर यह आंसर आ गया 10.895 पॉइंट एट नाइन फाइव परसेंट दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो स्टूडेंट हमने यहां पर इन दोनों चीजों को सॉल्व कर दिया हमने कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर तीनों कॉस्ट को यहाँ पे ले लिया और इसको यूज करके हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर दिया एक चीज को याद रखेंगे कि यहां पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% परसेंट है तो रिटेन अर्निंग के अंदर भी हम 13% परसेंट ही लेंगे मैं उम्मीद करूँगा इस तरह का क्वेश्चन अब सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच